near Fountain Chowk, Yamuna Nagar. Our center code is 034. I am Ankit Sharma. स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फार्मूलाज करे थे, जिसमें मैंने आपको टोटल का फार्मूला कराया था और मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला कराया था। तो स्टूडेंट्स, हमारा होम टैब जो था वो कल खत्म हो चुका था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब करते करते हम अब पहले कुछ फार्मूलाज को यूज करेंगे और उसके बाद पिवट टेबल्स और ये सब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं कल वाले फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। पहले जो भी हमने फॉर्मूलाज कल यूज किए थे, हम पहले वो वाले फॉर्मूलाज को यूज करके देखते हैं, उसके बाद हम आगे ट्राई करेंगे। तो मैंने जैसे कल लिखा था नेम्स, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद मैक्सिमम लिखा था, मिनिमम लिखा था। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा आकाश, अक्षय, हिमांशु, राकेश, गौरव, विशाल, सौरव। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर रोल नंबर्स लिख लिए, मैंने यहाँ पर लिख लिए स्टूडेंट्स मार्क्स। अब मार्क्स लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने टोटल का कल फार्मूला लगाया था स्टूडेंट्स, टोटल का फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसे पांच सब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके लेफ्ट क्लिक करके माउस का यहां तक इसको ड्रैग कर लूंगा और क्लोज। ठीक है, इसको बोलते हैं सम का फॉर्मूला। वैसे ही मुझे सब लेके आने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ब्लैक वाले एरो पे लाके ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा। तो ये क्या हुआ, मेरे मैक्सिमम मार्क्स निकल आए टोटल। अब मैक्सिमम में क्या करूंगा, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से लेकर पांच सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं किसमें आए और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं आकाश के सिर्फ हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, 90 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स, वो हमारा इसने हाईलाइट कर दिया। वैसे मिनिमम में क्या होगा, इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख सकते हैं 56 सबसे कम वैल्यू है, तो 56 सबसे छोटी वैल्यू आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसके बाद अब मैक्सिमम में आपको ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे स्टूडेंट्स, और फिर मिनिमम में फिर ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हमारा यूज कर रहे हैं हम, ये देखिए अब जो भी मार्क्स हैं आउट ऑफ जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ, पांच सब्जेक्ट्स थे, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो निकल चुकी हैं और जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो निकल चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला और बताता हूँ आज प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट स्टूडेंट्स किस लिए यूज करेंगे हम, जैसे मल्टीप्लाई करना है मुझे किन चीजों को, तो मैं क्या क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे किन्हीं दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, दिस, अब कॉमा लगाया मैंने, और दिस, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये दो चीजों को मल्टीप्लाई कर देगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, सपोज ये रो है
और मैंने यहाँ तक इसको सबको सिलेक्ट करा है, तो ये उन सबको पे मल्टीप्लाई करके देगा। इसका काम क्या है, प्रोडक्ट का सिर्फ मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई ये कैसे करेगा स्टूडेंट्स, या तो आप दो या तीन चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप पूरी जैसे रो सिलेक्ट करते हैं, ये कॉलम सिलेक्ट करते हैं, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद अब सपोज कीजिए मुझे प्रोडक्ट करना है कि नहीं दो चीजों का या तीन चीजों का, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे ये इसका लेना है कॉमा, इनका लेना है कॉमा, इसका लेना है, तो मैंने तीन चीजें सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो क्या करेगा ये तीन चीज मल्टीप्लाई करके दे देगा मुझे। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन और या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद आपका आता है एवरेज। अगर आपको एवरेज निकालनी है किसी मार्क्स की, तो एवरेज कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। आपको मार्क्स की निकालनी है एवरेज, तो आपने पांचों मार्क्स सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो आप देख सकते हैं पांच मार्क्स जो आपके इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस और एसएसटी उसका एवरेज निकल चुका है कि एवरेज क्या बन रही है इनकी। वैसे मैं ड्रैग करके लाऊंगा नीचे तक तो सबकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। अब एवरेज भी देख लिया आपने, एवरेज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं फॉर्मूला बार इसको बोलते हैं, इस पे आपका फॉर्मूला लिखा होता है सारा का सारा जो मैंने लिखा होगा। अब देख सकते हैं C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, और वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा जो जो मैंने सिलेक्ट करा होगा। तो फॉर्मूला बार में आपका क्या करेगा, यहाँ पर आपका जो एक्टिव सेल है उसका नाम लिख देता है, और यहाँ पर जो आपने उसका फॉर्मूला लगाया वो लिख देता है। तो हमारे आज के दो फॉर्मूलाज हो गए जो है प्रोडक्ट और एवरेज का। अब मैं आपको इंसर्ट में बताता हूँ क्या करना है। जैसे पाइवट टेबल, पाइवट टेबल क्या होता है स्टूडेंट्स, पाइवट टेबल हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे अरेंज और समराइज करने के लिए डेटा को। अगर आपका सपोज कीजिए कि ये अभी सिर्फ मैंने 8 नाम लिए हैं, आपके पास 100-150 नाम है, और आपकी जो एक्सेल की शीट है वो पूरी भर चुकी है, बट आपको उसको समराइज करना है, छोटा करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। जितना डेटा आपको चाहिए सिर्फ उतना विजिबल होगा, उसके अलावा सब हाइडन होता है। तो आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, तीन चीजों को कंपेयर करना है, या फिर कंपेयर नहीं भी करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइवट टेबल को। जो स्पेसिफिक चीजें देखनी होती हैं सिर्फ उसी के लिए हम पाइवट टेबल को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले करेंगे हम सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को, उसके बाद हम क्या करेंगे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करने से ये हमारा शॉर्टकट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया इसको और प्राइवेट टेबल पे क्लिक किया। अब ये टेबल की रेंज मैंने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, ओके दबाया, आप देख सकते हैं मेरा ये प्राइवेट टेबल बन गया, प्राइवेट टेबल बन गया। और मैं देखिए अब यहाँ पर कोई भी डेटा या वैल्यूज नहीं है। सपोज कीजिए मुझे नेम्स देखने हैं, तो मैं यहाँ से नेम सिलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेम्स आए हैं उस टेबल में से। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम रोल नंबर्स को, तो नेम्स के साथ आ गए हैं रोल नंबर्स। रोल नंबर्स के बाद हम सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश के मार्क्स, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश के मार्क्स आ गए। अब आपको सिर्फ टोटल देखना, उसके बाद तो आप टोटल देख सकते हैं, रोल नंबर्स लगा दिए, इंग्लिश के मार्क्स हटा दिए, तो आप जो जो आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आता स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं प्राइवेट टेबल। प्राइवेट टेबल के पास स्टूडेंट्स जैसे मैंने यहाँ पर सेल स्टाइल्स और टेबल सिलेक्ट किए थे फॉर्मेट का, यहाँ पर आ जाता है फॉर्मेट एज टेबल। टेबल अब मैंने टेबल सिलेक्ट किया, ओके दबाया, तो देखिए आप कलर्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम, हेडर, रो, ये सब वही चीज खुल गई है जो हमने फॉर्मेट एज टेबल में किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, आपने कहीं से भी पिक्चर उठाई, सपोज कीजिए डेस्कटॉप पे मेरी वॉलपेपर्स में पिक्चर पड़ी है, मैंने ये वाली पिक्चर उठा ली और एंटर दबाया, तो मेरी पिक्चर यहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बॉर्डर्स करना, पिक्चर के बॉर्डर को करना, ठीक है, पिक्चर के इफेक्ट्स लाना, ये सब आप इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स जैसे आपने शेप्स वर्ड में ऐड करी थी आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
और ये ग्राफ स्मार्ट आर्ट्स जो होते हैं, जैसे शेप को ऐड करनी है, मैंने सेलेक्ट करी यहाँ से और यहाँ पर ये शेप बना दी, ये मेरी शेप बन गई। इसका कलर चेंज करूँगा, यहाँ से कलर चेंज हो जाता है, इसके अंदर कुछ लिखना है तो इसके अंदर ये लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद वापस आए इन शेप में, स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, स्मार्ट आर्ट ऐड किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसमें प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है आपके फोन में। ये स्टूडेंट्स ग्राफ आ जाते हैं आपके, चार्ट्स आ जाते हैं, जो भी आप यूज करना है, बार चार्ट करना है, पाई चार्ट यूज करना है, ये सब आपके चार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आपके चार्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको स्टूडेंट्स आज क्या बताया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट C3 से लेकर G3 तक। ये आपको सीक्वेंस जो होता है आपको खुद सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको दो पर्टिकुलर चीजें अलग अलग सेलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको एक पूरी रो या पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसी एवरेज का फॉर्मूला है, वैसी टोटल और मैक्सिमम मिनिमम का। तो स्टूडेंट्स आपको अगर कोई भी डाउट हो फॉर्मूला के अंदर तो आप पूछ सकते हैं, उसके नीचे यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपका जो सिलेबस है वर्ड और एक्सेल का थ्योरेटिकल, वो आपको स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा, हम मैंने पोस्ट कर रखा है, जो रह गए हैं वो मैं पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अपनी अटेंडेंस आप यहाँ लगाना चाहते हैं आप यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर लगा सकते हैं। आपकी अटेंडेंस यहाँ भी काउंट होगी, यूट्यूब पर भी काउंट होगी और गूगल क्लासरूम में भी काउंट होगी। तो स्टूडेंट्स एक्सेल के में आज हमने इंसर्ट कर लिया है, अब सिर्फ रह गया टेक्स्ट बॉक्स, हाइपरलिंक्स। टेक्स्ट बॉक्स और हाइपरलिंक्स में हम, जैसे टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको वैसे वहां पर भी बताया था, टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर्स हमारे जैसे वर्ड में यूज होते हैं, हेडर फुटर्स यहाँ पर भी यूज होते हैं। इक्वेशन सिंबल्स, ठीक है, हाइपरलिंक हमने जैसे स्टूडेंट्स वर्ड में यूज किया था, द सेम एज इट इज हम एक्सेल में यूज करते हैं। अगर आपको एक्सेल में या वर्ड में कोई हाइपरलिंक में डाउट है तो आप लिख दीजिएगा, मैं आपको अगले सेशन में हाइपरलिंक में अगर डाउट्स रहे तो मैं क्लियर करवाऊंगा, वरना मैं नहीं क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मैंने वर्ड में आपको पूरा करके दिखाया था। ठीक है, जिसको एक बार डाउट है फिर भी आप एक बार वर्ड की जो हाइपरलिंक या होम इंसर्ट टैब है उसको देख सकते हैं, फिर भी ना समझ आए तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा कराऊंगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, थैंक यू।